धरने पर बैठे अन्ना हजारे की तबीयत खराब। अन्ना हजारे अनिश्चितकालीन धरने का आज दूसरा दिन, भूख हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे की तबीयत खराब। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के अनशन का दूसरा दिन, पहले दिन अन्ना हजारे ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा लोगों को आंदोलन में शामिल होने से रोकने का काम कर रही सरकार। दिल्ली के अलीपुर के बख्तावरपुर गांव में 12वीं क्लास की छात्रा से छेड़छाड़ से तंग आकर की खुदकुशी, सुसाइड रोड के पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों को मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली में हनी ट्रैप के आरोप में दो लोग गिरफ्तार, रोहिणी में एक बिल्डर को फ्लैट दिखाने के बहाने नशा देकर बेहोशी की हालत में एमएनएस बनाकर 17 लाख की उगाही करने का आरोप, लड़कियों समेत गैंग के बाकी लोगों की तलाश। दिल्ली के दरियागंज में डीटीसी बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, चश्मदीदों के मुताबिक डीटीसी बस को ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली विधानसभा में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर हुई चर्चा, खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि एलजी केंद्र के दबाव में डोर स्टेप डिलीवरी को नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में 4 मंजिला इमारत के एक तरफ झुकने से अफरा तफरी, पुलिस ने मकान में रहने वाले लोगों से खाली कराया मकान, मकान की नींव खोदने की वजह से झुकी। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके के जग प्रवेश अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, डॉक्टर्स को 2 महीने से नहीं मिली सैलरी, हड़ताल की वजह से मरीज हो रहे हैं। पुलिसकर्मी घायल हो गया, ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने पुलिस पीसीआर को टक्कर मार दी है, पीसीआर के परखच्चे उड़ गए हैं, 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और गाड़ी को कब्जे में लेकर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एल्गोन पब्लिक स्कूल की छात्रा की खुदकुशी पर कथक सम्राट बिरजू महाराज ने जताया रोष, सीबीआई जांच की मांग, कहा सीबीआई जांच के लिए मोदी से मिलूंगा। रेवाड़ी में सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे हैं मौत के डंपर, नाके पर खड़ी एसएचओ की गाड़ी को कुचलने का किया प्रयास। बेलगाम डंपर से 3 पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए, इस हादसे में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को रोक दिया। गोहाना में मिला एक दिन के नवजात का शव, वार्ड 13 के पास मार्केट के पास पॉलिथिन के अंदर मिला। लोगों ने सुबह नवजात के शव को कपड़े में लिपटा देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवाया। जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम ने बताया कि मामले की जांच के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करके अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झज्जर की बेटी मनु भाकर ने देश की झोली में 3रा मेडल डाल दिया है, मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल की विश्व कप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया में 19 मार्च से 29 मार्च तक चल रही इस प्रतियोगिता में मनु ने यह कीर्तिमान हासिल किया और इस उपलब्धि पर परिवार सहित गांव में खुशी का माहौल। मनु का एक मैच 28 मार्च को होगा और उसके बाद मनु कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेगा। उकलाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने 4 लेन का शिलान्यास किया है, इसके लिए अनाज मंडी के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया। ये 4 लेन 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, 8 किलोमीटर वाला ये 4 लेन सुरेवाला चौक से शंकरपुरा तक जाएगा। इस मौके पर सुभाष बराला ने सरसों की खरीद को सुचारू रूप से करने का आश्वासन दिया, साथ ही और किसी तरह की परेशानी आने पर उसे जल्द दूर करने की बात कही। सुभाष बराला ने 300 करोड़ रुपए के दवा घोटाले के आरोपों को गुमराह करने वाला बताया और उन्होंने इस तरह के आरोपों से इनेलो से जनता को जवाब देने को कहा। मल्टीपल प्लांट आवंटन मामले में डीपी वत्स की बढ़ सकती है मुश्किलें, कांग्रेस वत्स की सदस्यता को लेकर हाईकोर्ट में दायर करेगी याचिका। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने वश के खिलाफ मामला दर्ज कराती है और फिर उसी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाती है। हिसार में सांसद दुष्यंत चौटाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा, उन्होंने सीएम पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अपनी बात पर कायम रहने की नसीहत की।